नमस्ते दोस्तों। तो आज आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाने के लिए हमने सारा सामान को ले लिया है। तो इस इलेक्ट्रिक बोर्ड में हम 3 पिन सॉकेट और ऑन ऑफ स्विच और 2 पिन प्लग को लगाकर आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाकर दिखाते हैं। तो देख सकते हैं इस इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाने के लिए इस तरह से एक बोर्ड को ले लेंगे। तो इसमें आपको सारा सामान को फिट करके आपको दिखाने वाले हैं। तो देख सकते हैं इसमें इस तरह से उसको फिट करके आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए इसको बनाकर आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसमें मुझे सारा सामान को निकाल के आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से इसमें एक 3 पिन सॉकेट को लगा कर दिखाने वाले हैं और एक ऑन ऑफ स्विच को। चलिए उसको निकाल कर आपको दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं इस दोनों चीज़ को आपको लगा कर आपको दिखाने वाला है। तो चलो सबसे पहले इसमें एक ऑन ऑफ स्विच को लगा लेते हैं। तो उसको लगाने के बाद इसको अच्छे से इसको टाइट कर लेंगे यहाँ पर नट के द्वारा। देख सकते हैं इस तरह से इसका नट के साथ अच्छे से टाइट कर लेंगे इस तरह से। इसको लगाने के बाद इसमें एक 3 पिन सॉकेट को भी लगा कर आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 पिन सॉकेट यहाँ पर नहीं लग रहा है। देख सकते हैं इसको यहाँ पर काट करना पड़ेगा। देख सकते हैं इस तरह से काटने के लिए हम एक एक्सो ब्लेड को ले लेंगे। चलिए इसको सबसे पहले इसको साइड में काट लेते हैं इस तरह से। इसको हमने अच्छे से काट कर लिया। काटने का इसको प्लास की सहायता से इसको हमने निकाल लेंगे इस तरह से। देख सकते हैं इसको हमने कट कर निकाल लिया। इसके बाद इसमें 3 पिन सॉकेट को इसमें लगा लेंगे इस तरह से। लगाने के बाद इसको अच्छे से इसको नट के सहायता से इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे इस तरह से। देख सकते हैं। तो चलिए इसको आपको अच्छे से टाइट करके आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से लगा लिया। लगाने के बाद चलिए इसमें वायर को कनेक्शन करके आपको दिखाने वाले हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से इसको बोर्ड पर लगा लिए हैं। इसके बाद इसमें वायर को लगा कर आपको दिखाने वाले हैं। तो इस वायर को लगाने के लिए यहाँ पर छोटा सा एक होल करना पड़ेगा। इसके बाद इस वायर को लगा लेंगे यहाँ पर। देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर से इस तरह से छोटा सा एक होल कर लेंगे। इस तरह से होल करने के बाद यहाँ पर इस वायर को इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से इस वायर को यहाँ पर निकालने के बाद यहाँ पर छोटा सा एक नॉट के टाइप का इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से बनाने से हमारा इस वायर यहाँ पर नहीं निकलेगा। इस तरह से देख सकते हैं इस दोनों वायर को हम इस 3 पिन सॉकेट पर लगा कर आपको दिखाने वाले हैं। देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो माइनस वाला वायर है ब्लैक कलर का, इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एन लिखा हुआ था, इसमें लगा लेंगे। 3 पिन सॉकेट में जहाँ पर एन लिखा था यहीं पर इस ब्लैक वाला वायर को लगा कर अच्छे से इसको टाइट कर लेंगे स्क्रू ड्राइवर से। तो इसके बाद में देख सकते हैं जो रेड वाला वायर को हम स्विच के साथ में कनेक्शन करने वाले हैं। तो इस तरह से स्विच के साथ में इस तरह से रेड वायर को कनेक्शन कर लेंगे। चलिए इसको अच्छे से इसको लगा कर आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोनों वायर को हमने अच्छे से लगा लिया। एक वायर को हम सॉकेट के साथ में लगा लिया और दूसरी वायर को हम स्विच के साथ में। इसमें छोटा सा एक वायर लेंगे, इस वायर को हम स्विच के साथ में और सॉकेट के साथ में लगा लेंगे। तो देख सकते हैं छोटा सा वायर को हम इस तरह से इसको लगा लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। कनेक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलिए इसमें इसको लगा लेते हैं बोर्ड पर अच्छे से इसको लगा लेंगे अच्छे से। तो देख सकते हैं इस तरह से इसको लगाने वाले हैं। इसके बाद में इसमें सारा स्क्रू को अच्छे से लगा लेंगे। तो देख सकते हैं चारों स्क्रू को हमने अच्छे से लगा लिया। इसके बाद अच्छे से इसको टाइट कर लेंगे स्क्रू ड्राइवर से। तो देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से कनेक्शन कर लिया। इसके बाद चलिए इसमें जो टू पिन प्लग को लगा कर आपको दिखाने वाले हैं। देख सकते हैं इस 2 पिन प्लग को इस वायर के साथ में कनेक्शन कर लेंगे। चलिए इसको कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोनों वायर को हम इस प्लग के साथ में कनेक्शन कर लिए। इसके बाद चलिए इसको अच्छे से फिट कर लेते हैं इसको। तो इसका ऊपर का जो कवर है इसको अच्छे से लगा लेंगे यहाँ पर ऊपर के साइड में। देख सकते हैं इस तरह से लगाने के बाद इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। इसको टाइट करने के बाद हमें देख सकते हैं हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड बनकर तैयार हो गया। चलिए इसको आपको चेक करके दिखाते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम दूसरी इलेक्ट्रिक बोर्ड पर इसको प्लग का लगा लिए हैं। इसके बाद चलिए इसमें एक मोबाइल चार्जर को आपको लगा कर दिखाने वाले हैं। तो देख सकते हैं इस मोबाइल के चार्जर के साथ में एक बैटरी भी उसको हमने कनेक्ट कर लिए हैं। तो इसमें आपको एक बैटरी को चार्ज करके आपको दिखाने वाले। चलिए इसको स्विच को ऑन करके आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं जैसे हमने स्विच को ऑन कर लिया है बैटरी भी इसका
लाइट ग्लो हो गया देख सकते हैं। तो इसमें आपको एक लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करके दिखाने वाले हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से आपको एक लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करके दिखा रहे हैं। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ को चला सकते हो, इस तरह से देख सकते हैं। तो आप सबको हमारी वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एक वीडियो पर।